बिग बॉस के सेट से आई है एक बड़ी खबर, बार बार ग्रैंड फिनाले कहा जा रहा है, आज के बाद क्या शो खत्म हो जाएगा, सब लोगों को निकाल दिया गया है, कैसे क्या होगा, क्या जो लोग निकले हैं वो घर के अंदर आएंगे या फिर नए जो चैलेंजेस है वो घर चलाएंगे, एग्जैक्ट खबर आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो लगातार ये बात कही जा रही थी, पिछले 10 दिनों पहले ये तय किया गया कि इस वीकेंड पर, वीकेंड के वार पर फिनाले होगा और उस फिनाले में से सब लोग निकल जाएंगे, सिर्फ 4 कॉन्टेस्टेंट रहेंगे और उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लगातार एक के बाद एक लोग निकलते रहे स्ट्रॉन्ग। पवित्रा निकली तब लगा ओ माय गॉड, एली निकले तब भी ऐसा ही लगा और अब एक एक करके स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट निकलते जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जैस्मिन, राहुल और निकी तंबोली में से 2 लोग निकलने वाले हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट, फाइनल टॉप 5 के कॉन्टेस्टेंट हैं। तो ये सवाल उठना लाजिमी है, क्या शो बंद हो जाएगा? जी नहीं, शो बंद नहीं होगा, शो अगले हफ्ते भी शुरू रहेगा। और हाँ, आपके चहेते कॉन्टेस्टेंट्स जो निकल चुके हैं उनमें से कुछ कॉन्टेस्टेंट्स री एंट्री भी करेंगे। वीआईपी गेट से एंट्री, मेन गेट क्लोज हो चुका है तो वीआईपी गेट से एंट्री चैलेंजेस को मिल रही है, वो तो आ ही रहे हैं, मगर कुछ एक्स कॉन्टेस्टेंट्स भी घर के अंदर एंट्री करेंगे और अपने पुराने समीकरण का तड़का लगाएंगे। अब देखना ये है, सीजन 13 में शेफाली बग्गा, सीजन 13 में कुछ लोगों ने री एंट्री की, रश्मि और देवोलीना 3 दिन बाद एंट्री की तो वो खेल में जम गए, देवोलीना की तबीयत खराब हुई, वो अलग विषय था, मगर रश्मि खेल में जमी, उन्होंने खेल आगे बढ़ाया, बाद में अरहान भी आ गया। लेकिन जब शेफाली बग्गा अंदर गई और बाकी कुछ और लोग भी अंदर गए जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज थे, जो एलिमिनेट हो चुके थे दोबारा आए थे, उनको घर वालों ने जमने नहीं दिया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बाहर कर दिया। तो क्या अब की बार जो कॉन्टेस्टेंट्स, एक्स कॉन्टेस्टेंट्स आएंगे, क्या उनके साथ भी ऐसा होगा? कविता कौशिक के बड़े चांस है भैया, वो तो आ जाएंगी, एली आ सकते हैं, लेकिन इस बार के जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो उस हिसाब से ठंडे हैं थोड़ा, उनमें वो जोश नहीं है कि इनको जमने नहीं देना है। कविता कौशिक आई तो लोगों ने कोल्ड रिएक्शन दिया, लेकिन कविता कौशिक जमी थी। तो अगर निकी तंबोली निकल भी जाती हैं तो उनकी री एंट्री होगी, क्योंकि निकी तंबोली के बिना शो थोड़ा फीका लगेगा, राहुल के बिना शो फीका लग गया, जैस्मिन के बिना शो फीका लग गया, क्योंकि जब हीरो और एंटी हीरो और तमाम कैरेक्टर्स आते हैं तभी कहानी आगे बढ़ती है और इन सब ने शो में बहुत फ्लेवर और बहुत शेड्स दिए हैं, उसके लिए तो कोई मना कर ही नहीं सकता। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है या नहीं? शो खत्म नहीं हो रहा है, शो में और लोग आ रहे हैं और जो लोग निकले हैं वो भी दोबारा घर के अंदर कुछ लोग जाने वाले हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।